पोलीस दल आमचं अतिशय चांगलं काम करते आहे. सदानंद दाते साहेब जे आहेत 26/11 ऑपरेशनमध्ये होते, दहशतवादाच्या विरुद्ध लढाई त्यांनी केली आहे, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांची सगळी टीम चांगलं काम करते. आणि जो आमचा ॲव्हरेज रिस्पॉन्स टाईम 35 मिनिटं ते 40 मिनिट आहे, मी आपल्याला निश्चितपणे सांगू शकतो की आम्ही तो 25 मिनिटं आणि 20 मिनिटांपेक्षा कमी आणू. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई. आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जी ने मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय को 112 क्विक रिस्पॉन्स टीम के लिए खासकर 17 बाइक और 13 बोलेरो दी है, जिससे 112 पे कॉल करने के बाद जो 40 से 45 मिनट लगता था उसमें उसे 20 से 25 मिनट में कंप्लेंट को कवर किया जाएगा. इस तरीके की बात पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने की है. आइए जानते हैं इस संदर्भ में मिनिस्टर एकनाथ शिंदे मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्त सदानंद दाते का क्या है. पोलिसान जे आवश्यक है ये जे का आवश्यक बाबी है देने काम राज्य सरकार है. पालकमंत्री मनु का ही ज्या का रिक्वायरमेंट है त्या नक्की मुख्यमंत्री महोदय अल गृहमंत्री महोदय है राज्य शासना मध्यम देखी पूर्तता के लिए जाए जेनेकर या मीरा भाईंदर शहर जे है ये वाड़ शहर है. यठिका मुंबई आणि ठाण्यामधील हे शहर आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं आहेत. या ठिकाणी इतर शहरातले देखील लोक नोकरी धंद्यासाठी येतात, त्यामुळे हे वाढतं शहर आहे. या वाढत्या शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन पोलीस दल आमचं अतिशय चांगलं काम करते आहे. सदानंद दाते साहेब जे आहेत 26/11 ऑपरेशनमध्ये होते, दहशतवादाच्या विरुद्ध लढाई त्यांनी केली आहे, त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांची सगळी टीम चांगलं काम करते आहे. आज यहाँ पर मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय आयुक्त हमारे सदानंद दाते जी, इनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अच्छा काम कर रही है. और जिला नियोजन विभाग की ओर से उनको 13 बोलेरो फोर व्हीलर गाड़ी जो है वो दी है, 17 टू व्हीलर है. इसके वजह से जो क्राइम रेट है वो कम होगा, पेट्रोलिंग होगा, जहाँ भी कुछ ऐसा हादसा होगा तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँच जाएगी. इसलिए वाहन व्यवस्था की आवश्यकता थी, वो आज उसका लोकार्पण हुआ है. इसके आगे भी जो भी रिक्वायरमेंट है पुलिस की, पुलिस आयुक्तालय की, वो निश्चित रूप से पूरी की जाएगी, ताकि यहाँ पर जो ये शहर जो है ये बहुत ही फास्ट डेवलप होने वाला शहर है और इसमें जो भी जरूरतें है वो निश्चित रूप से पूरी की जाएगी. सर, आयुक्तालय नवीन है, नया है, स्टाफ की कमी है, क्राइम रेट के बारे में भी मीटिंग हुई, क्या आप आयुक्तालय से इसके बारे में संतुष्ट हैं? जो स्टाफ जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मैन पावर जो है, उसके बारे में भी सरकार की तरफ से जल्द से निर्णय लिया जाएगा. लेकिन मैंने जो क्राइम ब्रांच का काम देखा है, जो ऐसे ऐसे क्राइम हुए है कि उसका कोई भी एविडेंस नहीं था, फिर भी पुलिस ने उसको डिटेक्ट भी किया और वो गुनाहगार जो है वो क्रिमिनल है, उनको जेल में भी डाल दिया. अच्छा काम सर. आज पालक मंत्री द्वारा कुछ वाहन दिए गए और उस वाहन का उपयोग करके आयुक्तालय में क्या काम होने वाला उसके थ्रू? देखिए, मीरा भाईंदर वसीवीर आयुक्तालय जो है नया आयुक्तालय है और बहुत सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें पहले से कम थी. अभी हम उसके बारे में DPDC में हमने डिमांड की थी. उस DPDC में से जो है कि आज हमें 13 फोर व्हीलर और 17 टू व्हीलर मिले हैं. जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए और स्पेशली जो है 112 का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके बाद ये जो व्हीकल जो यूज़ हो जाएंगे और होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 112 का जो रिस्पॉन्स टाइम इससे बहुत कम हो जाएगा. सर, कितना एग्जैक्ट अभी क्या टाइम लगता था और ये मिलने के बाद क्या टाइम कवर होगा? देखिए, अभी जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो वेरी रहता है दिन में. जो हमें आइडियल जो है 20 मिनट्स से कम होना चाहिए, तो अभी ज़्यादा व्हीकल हो तो हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि उससे कम हो जाएगा. जितना व्हीकल मिला है क्या उतना सफिशिएंट है? देखिए, नया इंस्टीट्यूट है, अभी हमारी बहुत सारी डिमांड है और अभी हम फिर से आज मंत्री महोदय ने भी वो जो हमारी जो डिमांड है वो बताया है कि हमें और भी कुछ व्हीकल मिल सकते हैं. पालक मंत्री जी को कुछ प्रेजेंटेशन दिया गया है आयुक्तालय की ओर से, तो क्या कुछ उन्होंने महसूस किया, क्या उन्हें संतुष्टि मिली है? देखिए, अभी आज जैसे सर ने भाषण में भी बताया कि नया इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी जो है एक साल भर में जो जिस टाइप से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जैसे आयुक्तालय का उद्घाटन हुआ था उसी वक्त माननीय CM सर ने बताया था कि एक अलग पहचान आयुक्तालय की हो और अलग पहचान बनाने के लिए
हमारे सीपी सर के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। आज पालक मंत्री महोदय ने भी वही विश्वास जताया है और ये जो टीम है हर हमेशा प्रयत्न करेगी एक अच्छा पुलिस प्रशासन यहाँ के लोगों को दे दी। तो आपने देखा और सुना। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ राठौड़ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।